जय माता दी, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में यम देवता के नाम का जो दीपक धनतेरस के दिन लगाया जाता है, उससे लगाने का सही तरीका आप सभी को बताऊंगी, और विस्तार से क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, यह भी आप सभी को इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आप सामग्री देख लीजिए, जैसे कि इस दिन आटे का दीपक लगाया जाता है, वो भी चौमुखा, साफ स्वच्छ आटा होना चाहिए, उस पर नमक न डाला हुआ हो, इस बात का ध्यान रखिए। आसन देने के लिए आप चाहें तो उड़द की दाल और चावल ले सकते हैं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। इससे जो है उड़द की दाल से राहु और काली दाल भी बोला जाता है, शनि संबंधी परेशानी दूर होती है। नहीं तो सामान्य रूप से आप आसन देने के लिए इस तरह से कोई गेहूं या चावल सामान्य रूप से ले सकते हैं। थोड़ा पुष्प आवश्यकता होगी, क्योंकि यमदेव को हम समर्पित करेंगे। इस तरह से लंबी बाती के, आप सभी को चौमुखा दीपक है तो चार लंबी बाती की रुई की बत्तियां बना लेनी होगी। काले तिल इसमें डाल सके तो बहुत अच्छी बात है, सरसों डाल सके तो अपने घर की परेशानी दूर करने के लिए अच्छी बात है, नहीं तो सामान्य तौर पर एक दीपक चौमुखा आप सभी को लगाना होगा। पूरी विधि भी विस्तार से आपको बता रही हूँ, जैसा मेरे घर पर होता है मैं वह आपको विस्तार से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। सामग्री आप सभी ने देख ली होगी। अब आप सभी को जहाँ पर भी यह स्वास्तिक बनाना है, वहाँ पर जो है एक स्वास्तिक का निर्माण कर लेना होगा, जहाँ पर भी दीपक लगाएं। अब यह धनतेरस की शाम को कई लोग लगाते हैं, कई लोग जो है जब सोने के लिए जाते हैं उससे पहले लगाकर इसे छोड़ देते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यता है, आप चाहें तो शाम के समय अर्थात सांझ के समय लगा सकते हैं, नहीं तो भोजन इत्यादि खाने के बाद, भोजन इत्यादि करने के बाद आप जब सोने के लिए जाएँ तब भी लगा सकते हैं। इस तरह से जहाँ पर भी बनाएं वहाँ पर एक स्वास्तिक बना लीजिए, और आटा आप सभी को बहुत अच्छा गेहूँ का लगाना होगा, नमक डाला न डाले। मैं दोबारा से यह बात कह रही हूँ, पूजा की सामग्री में यह चीजें नहीं डाली जाती। अब इस तरह से आप सभी ने अक्षत चावल इत्यादि से जो है स्वास्तिक का निर्माण कर लेना होगा। यह दीपक जो है दक्षिण दिशा की ओर मुख करता हुआ लगेगा, इस बात का आपको ध्यान रख लेना होगा। दक्षिण दिशा जो कि पितरों की मानी जाती है, यम देवता की मानी जाती है, तो दक्षिण दिशा की ओर इसे लगाना होगा। साथ ही घर का प्रत्येक सदस्य जो है इसे एक बार पहले लगा लीजिए इसे, और मिष्ठान इस पर समर्पित कर दीजिए, इसको धूप दीप इत्यादि समर्पित कर दीजिए, अक्षत रोली चंदन इत्यादि इस पर आप सभी को समर्पित करना होगा। और यह दीपक सरसों के तेल का लगेगा, यह बात आप सभी को नोट कर लेनी होगी। आप चाहें तो घर का कोई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति है तो वह लगा सकता है, ऐसी मान्यता है कि घर के बड़े बूढ़े व्यक्ति को यह लगाना चाहिए। घर पर कोई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति नहीं है तो आप भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। महिला या पुरुष दोनों में से कोई एक जना यह दीपक लगा सकता है। साथ ही यह यम दीपक जो है रोग दोष इत्यादि की जो परेशानी है उसे दूर करने वाला होता है, और जो अकाल मृत्यु इत्यादि का भय होता है, साल भर में कभी यमदेव को याद नहीं किया जाता, नहीं उनकी पूजा की जाती है, परंतु आज धनतेरस के दिन उनके नाम का एक दीपक लगाया जाता है, जिससे कि यम देवता प्रसन्न रहें, उनकी कुदृष्टि हमारे घर परिवार पर कभी ना पड़े। इस तरह से मैंने चावल और इसका उड़द की दाल का आसन दिया है, जैसे मैंने बताया आप सामान्य तौर पर गेहूँ या चावल भी आसन दे सकते हैं। इस तरह से चौमुखा दीपक यह बन चुका है। आप चाहें तो थोड़ा बड़ा बना सकते हैं दीपक, जो आटे का है, नहीं तो आटे का नहीं कोई कारण से असमर्थ है तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, यह भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यह प्रज्वलित कर लीजिए। अब घर का प्रत्येक सदस्य आएगा और एक फेरी जो है इसे इस दीपक की लगा लेगा, और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाएगा। आप अपने तरफ से जितना दान करना चाहें यहाँ पर रख दे, हो सकता है एक एक रुपया हो, घर का हर एक सदस्य दान करने के लिए यहाँ पर एक एक दो दो रुपया जिससे उससे संभव हो फेरी लगाने के पास रख देना चाहिए, और यह जो फेरी लगाने के बाद पैसे हैं उन्हें जो है किसी गरीब जरूरतमंद और जो दान इत्यादि पात्र में डाल देना। अब यह सामग्री आप पूछेंगे कि क्या करना चाहिए। सुबह उठकर आप सभी को तुरंत ही यह आटा कचरे में फेंक देना चाहिए, या कोई कबूतर इत्यादि को खाने के लिए दे देना चाहिए, या मिट्टी का लिया है तो दोबारा उस दीपक को प्रयोग में ना लें। और साथ ही इसमें जो आपने चावल गेहूँ आसन में ले रखे हैं, चिड़ियाओं को कबूतरों को दाना डालने के लिए दे दीजिए, अर्थात तुरंत ही इसे निकाल कर कहीं पर रख देना चाहिए, कबूतरों को डाल देना चाहिए, किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। मैं पूजा आपको करके दिखा रही हूँ, साथ ही
लिए बोल भी रही हूँ। ऐसे में आप सभी को पूरे विस्तार से मैंने दिखाने समझाने का प्रयास किया कि कैसे यह दीपक लगाएं। प्रत्येक व्यक्ति को यमदेव का नाम का यह दीपक, यमदीप जिसे कहा जाता है, धनतेरस के दिन जरूर लगाना चाहिए। इससे रोग दोष शोक और रोग इत्यादि से मुक्ति मिलती है, जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती और जीवन में कई तरह की कष्टों का निवारण होता है। यह वीडियो आपके लिए जरूर मददगार रहेगा। आप सभी भी धनतेरस के दिन इसे जरूर लगाइए। वीडियो मददगार रहा हो तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जय माता दी, राधे राधे।